नमस्कार, दैनिक शिव चाय में आप सबका स्वागत है। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ। इस समय हम गांधीनगर के रेडी जोन के बिल्कुल सामने हैं। आज यहां पर आने का हमारा जो मकसद है, मकसद ये है कि जिस तरह से पैंडेमिक का टाइम था, काफ़ी देर के बाद इन लोगों को अनुमति मिली थी अपनी रेडी को लगाने की। यानी ये लोग वो हैं जिनके घर का खर्चा, यानी कि घर की रोजी रोटी इसी रेडियो से चलती है। इस समय यहाँ पर लाइव दृश्य हम बता रहे हैं लगाने की अब अनुमति, जिस तरह से कोविड के केसेस कम होते रहे, हर चीज़ को खुलने की अनुमति एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से मिलती गई। पर सवाल बड़ा ये है कि इनके टाइमिंग, क्योंकि जहाँ पे भी काफ़ी टाइम से हम भी देख रहे हैं, हमारी जनता भी देखती है, गांधीनगर जो रेडी जोन है, मोस्टली लोग रात को यानी कि 5 बजे के बाद यहाँ पर आकर यहाँ पर यहाँ की जो स्वादिष्ट, चाहे वो चाँप हो, चाहे कलाड़ी कुलचा, चाहे मोमोज हो, उनका लुत्फ लेते हैं। यानी एक अलग से पहचान है इस रेडी जोन की। पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये लोग, जो लोग आते ही 5 बजे के बाद यहाँ पर हैं सामान खरीदने या खाने पीने, टाइम कितना मिलता है? 5 से 8, टोटल 5 से 8। और खुद सोचिए 5 से 8 बजे तक ये लोग किस तरह, कितना पैसा, कितनी कमाई करते होंगे। कई बार ये भी होता है कि ये लोग आते हैं, सेटिंग करते ही टाइम हो जाता है, और लोग भी जो कि शाम के टाइम, क्योंकि जिस तरह से आप जानते हैं गर्मी है, गर्मी का मौसम है, और जिस तरह से ह्यूमिडिटी है, और लोग भी कम बाहर निकलते हैं, यानी जब धूप ढल जाती है तब लोग बाहर निकलते हैं। आइए जानते हैं इनसे इनकी क्या समस्या है। जी सर, आपका नाम? राजेंद्र कुमार। राजेंद्र कुमार जी, जिस तरह से टाइमिंग है 5 से 8 की, तो कितनी क्या क्या परेशानी आप लोगों को? यही 5 बजे आते हैं, 7 बजे, 7:30 बजे तक तो धूप होती है, 8 बजे लोग आने शुरू होते हैं, फिर हमें डर होता है पुलिस आ जाएगी। चलो वो भी तो ऑर्डर मान रहे हैं, पुलिस वाले, उनका भी ऑर्डर है। हम चाहते हैं कि गवर्नर साहब से, डीसी साहब से हमें 1 घंटा या 1.5 घंटा 9 बजे तक टाइम दिया जाए कि लोग आए, हम भी अपना कारोबार चलाएं। लोग कब शुरू होते हैं आना, मतलब यहाँ पे अगर देखा 7:30-8 बजे के बाद, क्योंकि दिन को गर्मी रहती है, क्योंकि हम भी गुजरते हैं, बहुत गर्मी होती है, बिल्कुल 8 बजे के बाद ही लोग आते हैं। जी जी, 8 बजे, 7:30-8 बजे लोग दुकानें बंद करते हैं, चलो घर के लिए कोई चांप ले रहा है, कोई कलाड़ी पर। रेस्टोरेंट का टाइमिंग और बार का टाइमिंग तो 10 बजे तक है। अब बताओ क्या बोल सकते हैं, ये रेडी वाले हैं, उनको दिखे नहीं होंगे। हम तो यही चाहते हैं कि हमें भी 10 बजे तक टाइम दिया जाए, चलो 10 बजे तक नहीं तो 9 बजे तक तो दिया जाए, बिल्कुल, क्यों हम भी अपनी रोजी रोटी कमाएं, बच्चों की फीसें देनी है, सो टेंशन होती है घर की, क्या बोलेंगे आप? क्योंकि जब आप सामान ही नहीं, कस्टमर आएगा नहीं, या कस्टमर कम आएगा, दुकानें बंद करने का समय हो जाता है, तो क्या कमाई करेंगे? बस कस्टमर का टाइम ही 8 बजे के बाद है, क्योंकि गर्मी भी है, गर्मी बहुत गर्मी है, 8 बजे के बाद टाइम होता है। हम भी चाहते हैं कि टाइम हमारा कम से कम 9:30 तक रखा किया जाए। जी धन्यवाद। साफ तौर पर व्यक्ति का कहना है कि जो टाइम है कम से कम, जो टाइम है कि कम टाइम है, यहाँ के डीसी, यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन से ये गुहार लगाते हैं, क्योंकि आप देखते हैं गर्मी का मौसम है, लोग बहुत ही कम आते हैं दिन के टाइम, शाम के टाइम जब धूप ढलती है तब लोग आना जाना शुरू करते हैं। तो इन लोगों का ये कहना है कि कम से कम हम लोगों की टाइमिंग बढ़ा दी जाए, क्योंकि जो कस्टमर आते हैं, जो हमारी जनता आती है, कम से कम उनके माध्यम से जो हमारी रोजी रोटी वो अच्छी तरह से चल सके। जी सर, आपका नाम? रमेश शर्मा जी, आप क्या कहना चाहोगे? मैडम ये कहना चाहते हैं कि टाइमिंग थोड़ी मिल जाएगी, बच्चों का खर्चा खुर्चा निकल जाए, हमारा टाइमिंग नहीं है, हमारे पास बिल्कुल टाइम। मुश्किल है आपको? बहुत मुश्किल, हद से ज्यादा है जी। कितने बजे आते हैं आप? 5 बजे आते हैं हम, 5 बजे आते हैं, आगे सामान लगाना है, 1 घंटा लगेगा सामान लग जाता है, और 8 बजे हमारी रेडी बंद कर देते हैं। 8 बजे वो भी पुलिस वालों ने दिया है, 7 बजे का टाइम है, 7 बजे बंद करनी होती है, 7 बजे मैक्सिमम दुकानें उनका टाइम है, रेस्टोरेंट जो बार है उनको 10 का टाइम है, 10 बजे का टाइम दिया हुआ है, रेडी वालों को जो फास्ट हमारे पास आपको मिलता है 1-1.5 घंटा काम करने का, 1.5 घंटा मिलते हैं। कितना नुकसान, परेशानी? कम सामान वेस्ट होते हैं, सारा सामान वेस्ट होता है, जो बचा वेस्ट, दूसरे दिन गर्मी है, दूसरे दिन नहीं चलता हमारा, रेडी वाले हमेशा में साफ निकलते हैं, रेस्टोरेंट में चलेगा आपका, दूसरे में चलेगा, हमारा नहीं चलता, हमारा डेली यूज होता है। क्या कहना चाहेंगे यहाँ पे जो हमारे डीसी हैं, उनसे क्या कहना चाहेंगे? मैडम हम डीसी साहब से यही प्रार्थना करते हैं कि जैसे रेस्टोरेंट को बार को हम टाइम दिया है 10 बजे का, हमें 9:30 का दे दो, 1.5 घंटे बहुत हमारे लिए, लेकिन थोड़ा हमारा सरकार घर का खर्चा बहुत है, आगे फिर से कोरोना की लहर आ रही है, उससे बहुत मुश्किल आएगा हमारा, साफ तौर पर। जी जी, कोरोना से मरेंगे हम, ऐसे भी मर जाएंगे, ऐसे भी परेशानी से ऐसे मर जाएंगे। साफ तौर पर इन लोगों का कहना है कि जिस तरह से बार और रेस्टोरेंट्स की टाइमिंग 10 बजे तक है, हम लोगों को एक मौका दिया जाए कम से कम जो 1.5 घंटा, उससे कम से कम 1.5 घंटा और बढ़ जाए, ताकि ये लोग अपने घर की रोजी रोटी अच्छे से चला सकें। आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस तरह से गर्मी है, गर्मी के दिनों में एक दिन का सामान दूसरे के घंटे के बाद ही सामान खराब हो जाता है,
तो इन लोगों का कितना सामान, कितनी वेस्टेज होती है। गरीब लोग हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं तभी इनका परिवार चलता है। पर खुद आप अंदाज़ा लगा सकते हैं डेढ़ घंटे में, डेढ़ का या दो घंटे के टाइमिंग में ये क्या बेचते होंगे, क्या कमाई करते होंगे, और वेस्टेज भी होता है इनका, यानी कि खाना भी खराब हो जाता है, जो कि दूसरे दिन कैसे ये कर सकेंगे। हमने नहीं लगाए हैं फ्रिज, हमने नहीं लगाए हैं कुछ, हमने नहीं लगाए हैं जी, क्या करेंगे जी। फ्रिज हमारे पास नहीं है कि हम अपना सामान सेव कर सकें, जो सामान लाएंगे वो ही बेचेंगे, जो बच गया तो दूसरे दिन शाम को ही फेंक देते हैं, क्या करेंगे, कहाँ रखेंगे। कोई ये तो है नहीं, यहाँ पर फ्रिज लगे हैं हमारे पास बड़े बड़े, कुछ नहीं है। जो फ्रेश सामान आएगा वो ही देंगे। होता है कि फ्रिज लगे हो रेस्टोरेंट में, बड़े बड़े होटलों में फ्रिज लगे हैं, इधर कुछ नहीं लगा। चलिए, हम भी आपकी वीडियो डीसी जम्मू तक जरूर पहुंचाएंगे ताकि आप लोगों की गुहार वो सुने और इस पर थोड़ी आपको राह दे। धन्यवाद। साफ तौर पर यहाँ पे हम रेडी जोन में समय गांधीनगर में यहाँ के दृश्य बता रहे हैं डैनिश शिव टाइम के माध्यम से कि हम लोग गुजरते हैं। एक दो बार इन लोगों ने हमें अप्रोच किया कि हम भी डीसी साहब से अपनी बात रखना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी ड्यूटी बन जाती है इन गरीब लोगों की भी आवाज़ हमारे एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचे। हमारे डीसी अंशुल गर्ग जी से हम भी रिक्वेस्ट करते हैं अपने चैनल के माध्यम से कि ये वो लोग हैं जिनकी रोज़ी रोटी का दारोमदर इसी इन्हीं रेडी जोन से है, यानी ये जो कमा कर जाते हैं वही शाम को जाकर अपने बच्चों का, अपने परिवार का पेट भरते हैं। इनका सवाल ये है कि 5 से 8 बजे का टाइमिंग देती है, पर उसके पहले ही यानी 7 बजे ही आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, गाड़ियाँ आ जाती है पुलिस की, वो तो उनकी ड्यूटी वो निभाएंगे कि बंद करवाने की। यानी टोटल इनको मिलता है डेढ़ घंटा, डेढ़ घंटे में ये लोग क्या कमाएंगे, अपने परिवार का किस तरह से पालन पोषण करके, ये बड़ा सवाल है। तो डीसी जम्मू से ये गुहार लगाते हैं, इनकी इस परेशानी का सर जरूर हल कीजिए, क्योंकि ये गरीब लोग हैं, कहीं ना कहीं आप ही इनका सहारा, यानी आप तक ही अपनी बात रख सकते हैं, क्योंकि इनको पता है डीसी जम्मू अच्छा कार्य कर रहे हैं, सराहनीय कार्य कर रहे हैं, गरीब जनता की आवाज़ सुन रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं इनकी आवाज़ भी डीसी जम्मू ज़रूर सुनेंगे, और इनके टाइम में थोड़ा इनका टाइम बढ़ा दिया जाएगा, यानी 9 से 9:30 तक कर दिया जाएगा, तब भी ये लोग खुश है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अपने सुझाव ज़रूर कमेंट बॉक्स में दीजिए। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।